हेलो फ्रेंड्स, ईट एंड चिल बाय द्रोस्टिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ दिल्ली और राजस्थान की बहुत फेमस राज कचौरी चाट, जिसे खा के आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, जिसमें एक कप हम मैदा डालेंगे, आधा कप सूजी ऐड कर देंगे, 1/4 कप हम चने का आटा बेसन ले लेंगे और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1/4 कप हम घी ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो पूरी है वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करते टाइम थोड़ा शेप आ जाए उतना हमें घी ऐड करना है। अब वॉर्म वाटर यानी गुनगुना पानी हम ले लेंगे और ऐड करते जाएंगे और अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। और हमें सॉफ्ट डो बनाना है, जिससे जो हमारी सूजी है वो 10 मिनट के बाद फूल जाएगी, तो हमारा डो है वो थोड़ा कड़क हो सकता है। तो आप जितना हो सके उतना सॉफ्ट डो करके 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए। अब 20 मिनट के बाद हमें थोड़ी बड़ी साइज़ की पूरी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग लुइया बना लीजिए और पूरी बेल लीजिए। अब सभी पूरियों को बेलने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए, तेल बहुत गर्म होना चाहिए। अब वन बाय वन हम पूरी को फ्राई करते जाएंगे। एक बार पूरी दोनों साइड से फूल जाए तब गैस की फ्लेम को मीडियम होने दे और तेल ऐसे ऊपर डालते रहिए, जिससे पूरी हमारी एकदम क्रिस्पी होती रहेगी और एकदम कड़क हो जाएगी। सभी पूरियों को फ्राई करने के बाद आधा घंटा ऐसे ही हमें छोड़ना है, तो और क्रिस्पी हो जाएगी। आधे घंटे के बाद हमें एक पूरी लेना है, उसमें बीच में थोड़ा हमें छेद करना है बड़ा, जिससे हम स्टफिंग कर सके। और वन बाय वन आप अपनी मर्जी से स्टफिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्राउट लिए हैं सारे, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है नमक डाल के, उबले हुए आलू, क्रंचीनेस के लिए पापड़ी ऐड कर, चॉप किए हुए ऑनियन, तीखी चटनी, लहसुन की चटनी, मीठी चटनी, दही जिसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, और नमक, लाल मिर्च पाउडर, मसाला बूंदी, सेव, अनारदाना, धनिया, चाट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर। अब सब हम वापस उसको रिपीट करेंगे। जो आउटर लेयर है उसमें भी हम बारी बारी सारी चटनियाँ, दही सबको अच्छे से रख देंगे, जिससे हमारी जो है चाट वो और भी बहुत अच्छी टेस्ट देगी। तो लीजिए, हमारी राज कचौरी चाट एकदम रेडी है खाने के लिए। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।